हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज स्क्रॉल और मैं नेहा आनंद लेके आई हूँ आज की ताजा खबर। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बाहुबली और इसरो के चंद्रयान 2 का क्या है कनेक्शन, जानिए इस वीडियो में। भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि चंद्रयान 2 को ले जाने वाला GSLV-M के तृतीय का सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। इस कामयाबी के बाद भारतवासियों के सर गर्व से ऊंचे हो चुके हैं। आपको बता दें कि इसरो के चंद्रयान 2 की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। बॉलीवुड सितारों ने अपनी फीलिंग्स को दर्शाते हुए इस कामयाबी पर गर्व महसूस सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है। लेकिन हाल ही में चंद्रयान 2 से बॉलीवुड का एक दिलचस्प कनेक्शन सामने आया है। इस खास कनेक्शन के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें, चंद्रयान 2 को ले जाने वाले GSLV मार्क तृतीय का उपनाम इसरो ने भारतीय फिल्म बाहुबली के नाम पर रखा है। जैसे ही खबर प्रभास और बाहुबली की पूरी टीम को पता चली, वे खुशी से फूला न समाए। अपनी खुशी जाहिर करते हुए इस कनेक्शन के बारे में बाहुबली स्टार प्रभास ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें प्रभास ने लिखा, हेलो डार्लिंग्स, ये हम सभी के लिए खुशी का दिन है जब इसरो ने चंद्रयान 2 ने उड़ान भर ली है। ये बाहुबली टीम के लिए भी बेहद सम्मान की बात है कि इस सैटेलाइट को बाहुबली का नाम दिया गया है। सालों की मेहनत के बाद ही अपनी तरह की खास क्षमता वाला यंत्र है जो 300 टन की क्षमता वहन कर ले जा सकता है। भारत को ढेर सारी ताकत मिले। प्रभास के अलावा कई और बॉलीवुड स्टार्स ने इस सफलता पर अपनी खुशी जाहिर कर पोस्ट शेयर किए हैं। इन स्टार्स में अभिनेता अक्षय कुमार भी शामिल हैं। अक्षय कुमार ने भी इसरो को बधाई देते हुए लिखा, इसरो ने एक बार फिर विशालकाय सफलता हासिल कर ली है। इस बड़ी सफलता के पीछे उस टीम को सलाम है जिसने इसके लिए अनगिनत दिनों तक मेहनत की है। इसके अलावा अभिनेता शाहरुख खान ने भी इस सफलता को ट्विटर के जरिए सेलिब्रेट किया है। उन्होंने लिखा, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। ऐसा करने के लिए लगातार कई घंटों का श्रमसाध्य काम, अखंडता, विश्वास चाहिए होता है। इसरो की पूरी टीम को शुभकामनाएं। तो कुछ इस तरह चारों तरफ देश के इस गर्व के पल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब मुझे यानी नेहा आनंद को दीजिए इजाजत। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।